नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन में। और मैं गणेश ओझा आपका हमारे चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम IRCTC के कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने यानी कि जिन्होंने IRCTC के लिए अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन अभी तक उनके कोड उनको नहीं मिले हैं, या जिनको पता नहीं है कि हमें कोड कहाँ से मिलेंगे, हम अपने कोड को कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, इस जानकारी को देने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमारा जो ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसके ठीक नीचे इस प्रकार से एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो सकते हो। दोस्तों, इसके नजदीक ही एक बेल का आइकन होता है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोज को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने कोड प्राप्त करने की साइट के ऊपर, कि हम अपने कोड कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं IRCTC के, यानी कि जो रेलवे की टिकट बुक करना चाहते हैं और जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अभी तक उनके कोड उनको नहीं मिले हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हम कोड कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आना है डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर। यहाँ आने के बाद में आपको सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने ये ओपन होगा, और सर्च बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ IRCTC ये जैसे लिखोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखा देगा। इनमें से आपको एक है IRCTC रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। इस प्रकार से नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपनी पूरी जानकारी देख सकते हो कि यहाँ IRCTC का रजिस्ट्रेशन यदि आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ क्लिक करके आप क्या है कि IRCTC के नए एजेंट बन सकते हो। यहाँ पर अपनी IRCTC के कोड प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वो देख सकते हो, और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर है जो अपडेट कर सकते हो, ईमेल अपडेट कर सकते हो। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि हम IRCTC के कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आना है फाइंड आउट योर IRCTC एजेंट कोड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देगा आपकी CSE जो ID है उसको। उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपकी जो एजेंट ID है वो दिखा देगा कि IRCTC के एजेंट ID ये है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने जो CSE के माध्यम से एजेंट कोड है वो देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक नया पेज ओपन करके दिखाता हूँ कि हम IRCTC को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आना है गूगल के ऊपर, यानी आपको गूगल क्रोम में आना है। मोजिला में ये साइट नहीं खुलेगी, और आपको गूगल में लिखना है IRCTC, जैसे IRCTC.co.in। इसके ऊपर आप जैसे ही लिखोगे और क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने इस प्रकार से IRCTC की एक साइट है जो खुल जाएगी। यहाँ से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है कि आप अपने कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो नई जो साइट है वो है, हमें आना है इसकी पुरानी साइट के ऊपर। तो पुरानी साइट के ऊपर आने के लिए आपको यहाँ पर जो एजेंट लॉगिन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको अब इसकी पुरानी साइट के ऊपर ले जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर ले जाए तो आपको आना है इसकी साइट के ठीक नीचे, और यहाँ लिखा हुआ है देखिए एजेंट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसके ठीक नीचे इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है जो खुल जाएगा। जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने खुले तो इसके अंदर आपको ढूंढना है फाइंड NGET एजेंट से, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक फिर नया पेज ओपन होगा, और यहाँ आपको डालना है अपने शहर का नाम या पिन कोड, दोनों में से कोई एक डाल सकते हो। तो मैं डालता हूँ यहाँ पर पिन कोड, तो मैंने पिन कोड डाल दिए। और सर्च एजेंट से, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस पिन कोड के नीचे या इस शहर में जितने भी
एजेंट्स हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से सीएससी के माध्यम से बने हो या अन्य के माध्यम से, तो उनकी एजेंट आईडी जो आप देख सकते हो, तो सर्च एजेंट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपके सामने आ जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ आप अपनी यूजर आईडी देख सकते हो, एजेंट आईडी, और यहाँ कंपनी, किस कंपनी के माध्यम से आपने ये एजेंट आईडी ली है, यहाँ पर एजेंट का नाम, यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर सिटी और फिर स्टेट, और फिर यहाँ पर आपके फोन नंबर जो आपने IRCTC में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी आईडी देख सकते हो, अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल नंबर भी यहाँ से देख सकते हो। सीएससी के माध्यम से आप अपने मोबाइल नंबर इत्यादि नहीं देख सकते कि हमने कौन सा मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन किया था। यहाँ अन्य व्यक्तियों की आईडियां भी आप जान सकते हो कि किन किन ने आईडी है जो यहाँ से IRCTC की ले रखी है और कौन सी कंपनी के माध्यम से उन्होंने ली है, तो उन सभी की जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज को शेयर करें। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।